तू बाहर में जा, तेरे को जिंदगी में माफ नहीं करूंगा मैं भाई, तू इतना घटिया इंसान निकला। प्राइवेटली वीडियो उसका रिकॉर्ड कर रहे थे इनसे, तो मतलब तू पहले से उसको अपना दोस्त मानता नहीं है कि वो उसको तू उस पे भरोसा नहीं करता था ना, तो उसको तू उसका तो घूमता क्यों था फिर? क्या पता नहीं, वो भी नहीं मेरे को ऐसा यूज किया गाइस कि ऐसा वीडियो। तो सब लोग नेपाली लोग तेरे ऊपर गुस्सा है भाई, तूने उसका आईडी लेके उसको ब्लैकमेल किया, तूने जो वो साउंड डाला ना, जितना नेपाली लोग उनको बताया वो क्या है। हेलो दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद आप लोग को इस तरह से वेट के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका रीजन है गाइस। तो आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, बोले से जो रोक लामा के साथ अभी रिसेंटली हो रहा है, आप लोग पहचानते हो रोक लामा को, और नहीं पहचानते हो मैंने इसको टेक कर दिया हूँ। उसको एक्सपोज किया जा रहा है बहुत दिन से, उसका खुद का दोस्त जो कि है बोबी। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जो ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी के लिए हेट फैलाने के लिए, बोबी के हेट फैलाने के लिए, रोक लामा के हेट फैलाने के लिए, ऐसा कुछ मेरा कुछ इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों का ये जो मुझे फील होता है, जो आज मुझे फील हुआ इसका वीडियो देख के, बोबी ने जो रिसेंटली दोबारा एक्सपोज वाला वीडियो बनाया है, जो कि जरूरत नहीं था क्योंकि वो सब चीज़ शॉर्ट आउट हो चुका था, रोक लामा ने बोल चुका था, इसके आगे मैं भी वीडियो नहीं बना रहा और बोबी ना बनाए, रोक लामा ने मान चुका था कि दोनों की तरफ से मिल के ये सब चीज़ हुआ है। तो अभी इसको आगे नहीं बढ़ाते, उसको यहाँ ख़त्म करते और अपना अपना रास्ता चलते हैं। मगर बोबी ने वो नहीं किया, फिर दोबारा उसने एक्सपोज वीडियो फिर दोबारा बना दिया। तो ये करके बोबी करना क्या चाहता है वो समझ में नहीं आया। रोक लामा को वो गिराना चाहता है, जो कि वो कर नहीं सकेगा, वो उसको पता नहीं है। रोक लामा यहाँ है तो बोबी इधर है, वो इसको जितना भी करे वहाँ नहीं पहुँच सकता, वो जितना भी उसको हेट फैला के उसके बारे में, उसको जितना भी हेट कमेंट लोगों से दिला के, लोग इतना वो नहीं है कि जो कि इतना मेहनत करके आगे पहुंचा, इतना ऊपर पहुंचने में उसने कितना मेहनत किया सोच रहा है, उसने बहुत ही मेहनत किया वो पहुंचने के लिए, वो भी एक दिन में वो पहुंचना चाह रहा है, मतलब वो उसको दोस्त बनने का वो फायदा उठा रहे है। इतने दिन उसको उसने हेल्प किया, मतलब वो सब उसने फायदा के लिए हेल्प किया था, मतलब रोक लामा को उसके लिए बाइक लेने में वेस्ट बंगाल कोलकाता चला गया उसके उसके लिए हेल्प करने के लिए, उसको मैं पहले जानता नहीं था मगर उसका मैंने हेल्प किया, वो रोक लामा है बोल के वो उसके हेल्प किया उसने, उसको पता है कि रोक लामा का इतना सब्सक्राइबर, उसको हेल्प करने से उसको ये फायदा है ना। कौन जाता है आज का जमाने में जिसको जिसको पहचानते हैं उसको हेल्प कर देगा, कोई नहीं जाता। उसने भी क्या बोलता है, अपना फायदा के लिए रोक लामा का पीछे पड़ा है ना। तो रोक लामा इतना हरामी होता है, उसको तो अपने साथ लेके नहीं जाता, ऐसा भी उसको उसके लिए आदमी कमी नहीं है, बोले तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, मुझे फोन करे रोक लामा मैं भी खड़ा हो जाऊंगा उसको उसको हेल्प करने के लिए, ऐसा मेरे जैसा हजार लोग मिल जाएगा उसको, उसका मिलियन सब्सक्राइबर है ना गाइस, उसका मिलियन सब्सक्राइबर उसको हेल्प करने का हजार लोग मिल जाएगा, वो इवन उसको क्या बोलते कोलकाता में मिल जाएगा उसको बैग डिलीवरी करके यहाँ पहुँचा देने के लिए। तो ये सब चीज़ उसको नहीं बोलना चाहिए कि मैंने उसके लिए ऐसा कर दिया, उसको मैं अपने घर पे रखा बोला उसने। तो एक दोस्ती में तो ये सब चीज़ चलता है, घर पे रखता, मेरा भी अपना दोस्त लोग आता उसको मैं अपने घर पे रखता हूँ, उसके लिए मैं उसको जाकर सुना एक दिन उसको जाकर एक्सपोज तो नहीं करूँगा ना, तेरे लिए मैंने ये भी कर दिया, तेरे लिए मैंने ये कर दिया, आज तुमने ये कर दिया। तो ये सब चीज़ मतलब एक पूछने का बात ही नहीं रहता जहाँ तक मुझे लगता है। और वो भी बोलता है मेरे को रोक लामा ने अनसब्सक्राइब करने के लिए अपना चैनल पे बोला था, मगर किसी ने मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किया, मेरा वीडियो मैं सब्सक्राइब मतलब बरी रहा है। वो भी को ये इतना पता होना चाहिए, किसी का इतना टाइम नहीं कि आप उसका चैनल सर्च करके जाके उसको अनसब्सक्राइब करेगा, उसका अपना कुछ काम नहीं है कि जो तेरा क्या बोलता है अनसब्सक्राइब करने बैठ जाएगा। भले तो रोक लामा ने बोला है, वो तो बोला है वो, लेकिन लोगों ने जाके अनसब्सक्राइब किया है, उसको बहुत लोगों ने उसको अनसब्सक्राइब किया, उसे दिखाना क्या चाहता है कि रोक लामा का उसका बोली उतना चला नहीं, उसका व्यूज देखो, तेरा व्यूज देखो, तू अपना व्यूज के लिए दोबारा ये कॉन्ट्रोवर्सी दोबारा बना रहा है। उसका चैनल तो मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ, जब उसने एक्सपोज वीडियो बनाया था, एक्सपोज वीडियो में कितना व्यूज आया तो आप उसका चैनल पर जाके देखना बोबी का, जब उसने एक्सपोज वीडियो बनाया था तब उसका व्यूज 1,45,000 आया था, उसके बाद क्या हुआ? तू तो बहुत बोल रहा है कि तेरा तो बहुत, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया रोकने है ना। तो उसके बाद उसका व्यूज देखना गाइस, आप जाके उसका चैनल पे, उसका उसका व्यूज डायरेक्टली घट गया 25,000 में, उसके बाद घटा 8,000 में, उसके बाद घटा 5,000, उसके बाद पहुंचा फिर 5,000, उसके बाद फिर 4,000। तो ये क्या है, लोग का फैंस लोग ने किया, उसका जो सपोर्ट करते हैं उसने किया, तुम बोलते हो कि लोग ने कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाया, और तुम बोलते हो उसका एक्सपोज वीडियो मेरे पास बहुत ज्यादा, मैंने सिर्फ 2-3 सेकंड का वीडियो डाला, क्लिप डाला, साउंड डाला, हम बस उतना ही डाला जितना मैं आप लोगों को समझ में आया कि उस दिन क्या हुआ था। तूने जो वो साउंड डाला ना, जितना नेपाली लोग उन लोगों को पता है वो क्या है, इवन मुझे पता है मैं नेपाली हूँ तो मुझे पता है कि तूने क्या वर्ड उसमें डाला है, और तूने जो भी छुपाया है इससे के अंदर तो कोई था नहीं होगा। तो जितना भी नेपाली कम्युनिटी लोग हैं जो उसका वीडियो ब्लॉग रामा का वीडियो देखते हैं, उनको बहुत ही खराब लगा। इवन मैं जब मैंने सुना ये मतलब वीडियो में सुना, इवन हम लोग मतलब क्या बोलेगा अभी, कुछ बोल ही नहीं सकता, जैसा तूने इसको इतना गंदा से एक्सपोज किया, दोस्ती में चलता है सब चीज़, लोग गाली देता है सब चीज़, सब कुछ चलता है, मगर
उसको तू पब्लिकली देगा, उसको पब्लिकली डाल देगा वीडियो में, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, ये तो ठीक नहीं है ना। उसका भी तो फैमिली लोग है, तो उसको भी थोड़ा बहुत शर्म आता है ना, तो उसका फैमिली उसका रिलेटिव लोग होता है, तो ये भी सोचना चाहिए तेरे को इसी पहले वो छोटा सा क्लिप डालने से भी। और दूसरा चीज़ डाल लेता है उसको एक्सपोज करने के लिए है ना, तो वो डाला कि जो चीज़ डालना नहीं चाहिए था, और तू बोलता है कि मैंने तो इतना छोटा क्लिप डाला, वो जो छोटा डाला वही बड़ा चीज़ था। और तू उसका दोस्त था है ना, उसको उसका तो प्राइवेटली वीडियो उसका रिकॉर्ड कर रहे थे इनसे, तो मतलब तू पहले से उसको अपना दोस्त मानता नहीं है कि वो तू उसको तू तू उस पर भरोसा नहीं करता था है ना, तो उसको तू उसके तो घूमता क्यों था फिर है ना। तेरे को पता है रोकनामा ऐसा है, रोकनामा ऐसा है, तेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसका किधर ना क्यों निकल गया, कि तेरा गलती है कि रोकनामा की गलती है, तो उसको उसका पीछे भी उसके लिए भाग के भागती है। अगर रोकनामा ने कुछ छोटा भी कुछ बोल दिया तो गुस्सा हो गया उसके बाद, तो मतलब ये समझ में नहीं आता। तू अपना फायदा भी चाहता है और रोकनामा का पेड़ भी चाहता है, मतलब करना क्या चाहता है, मतलब अगर तेरे को पता तो रोकनामा अच्छा इंसान नहीं, वो ऐसा करता है जितना तू कंप्लेन कर रहा है रोकनामा के बारे में है ना, तो तू पहले से उसका दोस्ती छोड़ देता, उसको वो अपना रास्ता वो किसी और को चुन लेता, अभी मिल गया देसी भी है उसको, और देसी लोगों को भी अगर लगता कि रोकनामा खराब है तो उसका सपोर्ट क्यों करे, उसका हेल्प करने के लिए इतना दूर चला गया केदारनाथ उत्तराखंड पहुंच गया एक ही दिन में, सोचो ये होता दोस्ती, ये होता है भाई भाईचारा। मतलब तू खुद का दम में कुछ क्यों नहीं कर रहा, खुद का दम में कर भाई। हाँ तू बोल रहा है दूसरा चैनल मैंने क्या बोलता, अपना दम पे उठाया, हाँ कैसे उठाया, वो जो चैनल तूने बनाया ना वो कोई भी बना लेगा, जो कि तूने एडवांटेज कार का वो दिखा देगा है ना, नया नया सस्ता मिलेगा, कोई भी देखेगा वो सब्सक्राइब करेगा, वो चैनल तूने बनाया हमारा तूने बनाया, मगर ब्लॉगिंग चैनल बहुत ही हार्ड है भाई उठाने के लिए, जो कि रोकना मैंने तेरा हेल्प किया, तूने वो नहीं सोचा। हम लोग सब नेपाली भाई लोग को पता है कि तूने क्या किया है भाई, और तुझे पता होगा रोकनामा एक हम लोग का यहाँ सिलगुड़ी से एक लोता है वो, जो कि इतना मिलियन सब्सक्राइबर और इतना आगे बढ़ रहा है, जो कि हमारा नेपाली कम्युनिटी को वो आगे बढ़ा रहा है, तो उसका तूने इस तरह कैसे करेगा, तो नेपाली भाई लोग तेरे को कैसे सपोर्ट करेगा, तो सब लोग नेपाली लोग तेरे ऊपर गुस्सा है भाई। रोकनामा जो नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करता था तूने उसको ऐसा कर दिया, मैं किसी के ऊपर हेट फैलाना नहीं चाहता कि वो भी ऐसा है रोकनामा अच्छा है, जो तूने किया है तूने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, तू चाहता था कि रोकनामा को पूरा बर्बाद करते ना, मगर भाई सब नहीं कर पाता भाई, उसने अपना पूरा मेहनत करके इतना साल 4-5 साल उसने यूट्यूब को देके उसके बाद उसने वो ऊपर पहुंचा है, वो एक दिन में तेरे से एक दिन में किसी का पैर पकड़ के किसका पीछे में बढ़ चल के इसका पुच्छर पकड़ के आगे नहीं बढ़ा, वो खुद का दम पे आगे बढ़ा भाई। और हाँ आज जो मैंने प्रेम का वीडियो देखा, बस प्रेम के बारे में बोल रहा था, मैं भी रोकनामा का मीटअप में एक बार गया था, जय गाँव गया था रोकनामा से मिलने के लिए, उस समय मुझे ऐसा कुछ खराब नहीं लगा, रोकनामा ऐसा खराब है, उसने बहुत अच्छा से सबको ट्रीट किया, हर एक बंदे का वहाँ फोटो खींचा, उसको वीडियो में हेल्प किया, उसको जितना उस दिन क्या बोलता वहाँ पे आया था सब्सक्राइबर लोग उसका गोल्डन बटन का जब उसने अनबॉक्सिंग किया था, तो उस टाइम में क्या बोलता है प्रेम से मिला था ना, उस टाइम मुझे प्रेम को देखे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा पर्सनैलिटी है रोकनामा और प्रेम का। तो आज मैं प्रेम का वीडियो देख रहा हूँ, उसने अपने इंस्टाग्राम में डाला ये वीडियो, आप देखो गाइस, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोल रहा हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे सोच के आया था, मैंने अभी उड़ीसा में वो काम कर रहा हूँ, सोच रहा था कि आईफोन खरीदूंगा, उसके बाद अपना यूट्यूब का जर्नी जो है फिर से स्टार्ट करूंगा। सो फिर मैंने क्या किया कि अपना फोन पे अपना आईडी जो है लॉगिन करने के लिए यूट्यूब का आईडी डाला था, तो पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा था, तो मैंने बॉबी को कॉल किया, क्योंकि मैंने अपना कॉपीराइट हटाने के लिए उसका लैपटॉप पे मैंने अपना आईडी सब दिया था। सो बॉबी मेरे को बोल रहा है कि भाई तू ऐसा बोल वैसा बोल, अच्छा व्यूज आ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, मेरा वीडियो चल ही नहीं रहा है, सो तू ऐसा बोलेगा तो वायरल होगा, मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, सो ऐसा बोल, नहीं तो मैं तेरा आईडी पूरा का पूरा बैन कर दूंगा। सो ऐसा बोला भाई, मेरा इतना मुश्किल से खरीदा, इतना मुश्किल से क्या हुआ आईडी जो है वो था। सो उसने इतना ब्लैकमेल किया कि गाइस मेरा दिमाग खराब, मैं तो भाई इन लोगों के बीच में क्या हो गया पता नहीं, बॉबी ने मेरे को ऐसा यूज किया गाइस कि ऐसा वीडियो डाल दिया कि जबरदस्ती बुलवा के मेरा कोई ऐसा वो ही नहीं था गाइस, इन लोगों का झगड़ा में मेरे को पढ़ने। तो गाइस बात जो है फैमिली तक आ गया था, इसीलिए अब क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा भाई, मैं बेचारा काम करने आया इधर, मेरे को ब्लैक करके यूज कर रहा है वो भी, तू भाई सोचा नहीं था इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा, तू भाई रिकॉर्डिंग करके पूरा डाल दिया, ब्लैकमेल कर रहा है ऊपर से, यार तेरे को जो करना है कर उखाड़, जो करना है कर भाई, जो करना है कर, तू बाहर में जा, तेरे को जिंदगी में माफ नहीं करूंगा मैं भाई, तू इतना घटिया इंसान निकला, छोड़ो भाई आईडी गांड मारा है मेरा गाइस। आपने वीडियो देख लिया, उसको अभी देखो उसका शक्ल, उसका हालत देखो भाई, आपने क्या कर दिया इसने, क्या बोलते बॉबी ने उसको एक दिन में,
उसको टेंशन से वो सो नहीं पाया होगा कि बॉबी ने उसका साउंड रिकॉर्ड करके उसको एक्सपोज कर दिया उसके घर पे, उसको उसको उसके सब लोग क्या बोल रहा होगा, वो सोचो लोग उसका छोटा सा उसका बचपन का दोस्त है और वो उसके बारे में ऐसा जानबूझ के नहीं बोलेगा। तूने उसको फोर्स किया, प्रेम ने पूरा अपना इंस्टाग्राम में बोल दिया, तूने उसका आईडी लेके उसको ब्लैकमेल किया। मैं आपको प्रेम का पहले का फोटो दिखा रहा था जो मैंने उसके साथ खींचा था, ये फोटो देख लो, आपने फोटो देख लिया उस समय कैसा था और अभी इसका शक्ल देखो कैसा हो गया। वो मेहनत करा एक बंदा कितना बाहर जाके अपना पैर पे भाई खड़ा होके उसमें काम करने वापस तुम लोग उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन में, तुम प्रेम को क्यों तान रहे हो? प्रेम में तेरा क्या बिगाड़ा? प्रेम का तुमने बर्बाद कर दिया रोक लगा सब, दोस्ती को तू बिगाड़ना चाहता है यार। मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मगर जब मैं प्रेम का वो वीडियो देखा ना इंस्टाग्राम में जो कि उसको मैं फॉलो करता हूँ, तो बहुत खराब लगा जब प्रेम का शक्ल उकल देखे और उसका इंस्टाग्राम का स्टोरी रोक लामने में डाला था, तो जब मैंने देखा तो बहुत ही खराब लगा मुझे। तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर नेपाली भाई है तो हम खुद अपना नेपाली भाई को सपोर्ट नहीं करेंगे, कौन करेगा? तो मैं भन्न चाहन्छु जति पनि नेपाली भाइहरू तपाईँले हेर्दैछ यो भिडियो, हाम्रोबाट एउटा क्रिएटर नेपाली क्रिएटर एकदम अगाडि बढाउँदैछ, हामी सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, एकजुट भएर लोक लामाको सपोर्ट गरेर, अनि प्रेमको एक्चुली त होइन, मैले त भिडियो बनाएर सपोर्ट गर्दैछु स्पेसली प्रेमलाई पनि, किनकि त्यसलाई त मलाई बहुत दुःख लाग्यो त्यसलाई हेरेर होइन, त्यसको हालत हेरेर त्यसलाई बेकारमा यत्तिकै फसा दिएको छ तपाईँले। अब बोबीको जब प्रेमले पुछा था कि तू भिडियो रिकर्ड त नहीं गरेर है सब चिज नहीं रिकॉर्डिंग, तो प्रेम ने कैसा बोल दिया उसको कि मैं नहीं कर रहा हूँ? उसको मन में कुछ था नहीं कि झूठ बोल रहा है किसी को, वो उसके बाद वो वीडियो यूट्यूब में डालने लगे, उसको अपना उसको खुद की इज्जत नहीं है। देखो आप इधर से समझ सकते हो, उसको खुद की इज्जत नहीं, उसको अपना सही करने के लिए वो जो भी हद तक मतलब बढ़ जाएगा। दोस्ती का एक एग्जाम्पल देकर उसको झूठ बोला उसने, तो आप कैसे विश्वास कर सकते कि वो लोग को झूठ नहीं बोल सकता है? तो आप खुद समझते हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो इसमें मैं आगे कुछ और नहीं बोलूंगा। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, आप लोग का मैं सिर्फ मेरा जो मुझे फील हुआ वो बताना चाहता हूँ। तो आप लोग का ऊपर है गाइस, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इस वीडियो को लेके? तो मैंने तो अपना काम कर दिया, आप लोग का आपका काम है, आप कितना इस वीडियो का सपोर्ट करते हो और कितना अच्छा कमेंट करते हो इस वीडियो में, जो कि रोक लामा तक पहुँचे उसको सपोर्ट मिले मेरे तरफ से भी, तो ये सब चीज़ आपका ऊपर छोड़ता हूँ गाइस। जो भी व्यूअर्स है रोक लामा का जो ये वीडियो देख रहे हो और जितना भी नेपाली भाई लोग है, तो आप लोग का ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ इस कॉन्ट्रोवर्सी को, आप लोग के साथ देखते हो किसको सपोर्ट करना आप लोग चाहते हो। तो इतना तक गाइस आज का वीडियो इधर एंड करते हैं, आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय गोपाली।